नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो है मिंत्रा फिर से ज्वाइनिंग कर लिया है। डिपार्टमेंट थोड़ा सा चेंज है, बाकी कंपनी वही है और आईडी कार्ड भी मुझे मिल चुका है, आज देख सकते हैं। तो 10 दिन से अभी रूम पे ही बैठे थे। मैं सोच रहा था कि उसी डिपार्टमेंट में जाऊं जहां पर मैं पहले करता था, क्योंकि वहां सबसे जान पहचान हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि वहीं पर हूं, लेकिन वहां पर उस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा था। तो मैं 10 दिन से रूम पे ही था, मतलब वीडियो वगैरह बना रहा था, रील वगैरह एडिटिंग कर रहा था और अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में भी। लेकिन फिर सोचा कि 20 तारीख अगर गुजर जाता है, 20 तारीख के बाद अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो वो सैलरी जो है हमें मिलेगा मई में। तो इसीलिए मैंने 20 तारीख से पहले ही ज्वाइन कर लिया, जो कि आज 19 तारीख है, 19 मार्च, जो कि ये पेमेंट जो है मुझे 7 अप्रैल में मिल जाएगा, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अभी मैं ज्वाइनिंग वहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद वहाँ से छोड़ा, तो बस में आ जाते। बस से तो इधर से गए ही थे, बस में आ जाते, लेकिन बस जो है लेट था आधा घंटा। तो मैंने सोचा कि चलो पैदल ही जाते हैं, अपने फैमिली को बात बताना भी है ब्लॉग के माध्यम से। तो अभी मैं उसी लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, और मैंने आज ज्वाइनिंग कर लिया है मिंत्रा कंपनी में। यही है इस डिपार्टमेंट में जो ज्वाइनिंग लिया है, इसका टाइमिंग थोड़ा चेंजेज है। मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो है 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और रात का जो शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट वो है 8:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक। तो कुछ इस तरह से टाइमिंग है, बाकी बस तो आती ही है। तो उसी टाइमिंग के हिसाब से जो है बस स्टॉप पे जाना है, फिर कंपनी काम करना है। उसके बाद आज तो ट्रेनिंग वगैरह था, उसके बाद कल फिर बुलाया, कल पंचिंग वगैरह कराएगा। यही प्रॉब्लम है कि एक महीने के लिए फिर से लिया है, पिछले बार भी वैसा ही लिया 40-41 दिन, उसके बाद इस बार भी फिर एक महीने के लिए फिर से निकाल देगा। पता नहीं ये कंपनी का ऐसे ही रूल है क्या, लेकिन मैं उधर ही करता हूँ ना, इसीलिए मुझे जो है वहीं पर अच्छा लगता है। और दूसरे जगह कागज़ प्रॉब्लम बता देता है, आधार पैन ये वो, इसलिए मैं इसी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ। फिलहाल मैंने सोचा कि ब्लॉग के माध्यम से अपने ऑडियंस को बता दूँ, ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि मैं अभी जो है निकाल दिया था तो रूम पर ही बैठा था, उसके बाद अभी मैं ज्वाइन कर लिया हूँ मिंत्रा ज्वाइनिंग। वही सैलरी जो है 16,000 के आसपास में मुझे मिलेगा। बाकी अभी होली में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, मन तो पूरा है कि गांव जाएं, बच्चे के साथ होली खेलें वगैरह वगैरह, लेकिन मन को मार के जो है बाहर ही रहना है, पैसे भेजना है, जिससे कि फैमिली हमारी खुशियों से रह सके। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू।